Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. उससे हर व्यक्ति अपने आप से उन भावनाओं को जोड़ता है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भी निवास कर रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन कैसे हो रहा है, उसमें न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, उसमें विधायिका की अपनी भूमिका है, उसमें कार्यपालिका की अपनी भूमिका है। जब आज राम जन्मभूमि की बात वे लोग कहते हैं, जब जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, मुझे अच्छा लगता है कि चलिए भगवान ने जैसे भी हो उनके मुंह से अपनी जन्मभूमि की बात तो कहलवा ही दी है, एक प्रकार से यह भी हमारी ही विजय है। आज इस देश में लोकतंत्र की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों ने 1975 में आज ही के दिन लोकतंत्र का गला रौंदने का प्रयास किया था। इस देश के अंदर हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक न्याय की बात भी वे लोग कहते हैं जिन्होंने जातीय ताने बाने के आधार पर हिंदू समाज को कुत्सित नीति के और षड्यंत्रों के जो हिस्से बने रहे हैं वे लोग उस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन जैसे भी हो, यह सच है, अयोध्या की ही ये भावना नहीं, भारत के बहुसंख्यक समाज की भावनाएं हैं। बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ हम सब की भी भावनाएं हैं। इस समाधान का एक मार्ग निकलना ही चाहिए, और निकालने के लिए इतने दिनों तक आपने धैर्य रखा है, उस दिन और धैर्य रख लीजिए, समाधान का रास्ता अवश्य निकलेगा। कि जो लोग हमेशा राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध करते थे, जो लोग मंदिर जाने में कोताही बरतते थे, जिनको संकोच होता था, आज जब उनके मुंह से सब बातें निकलती हैं तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके तह में ये कोई षड्यंत्र कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि इसके नाम पर ये लोग कोई दूसरी साजिश रच रहे हो। और उन साजिशों से सावधान होने की आवश्यकता है कि जब एक मर्यादित तरीके से श्री राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद पटाक्षेप की ओर जा रहा है, तब अनावश्यक रूप से जनता के बीच में माहौल खराब करके समाधान की ओर निकलने वाले किसी भी मार्ग के अवरोध के लिए इस प्रकार के वक्तव्य को देना, जिन वक्तव्यों से सामाजिक सौहार्द को खतरा पैदा हो ही, लेकिन साथ साथ वर्षों से सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे एक सामाजिक तनाव के माहौल को भी समाप्त किया जा सकता है, उस तनाव के मार्ग को रोकने की जो कुत्सित चेष्टाएं हो रही हैं, आपने देखा होगा।